भोले बाबा सच में बहुत भोले हैं, लेकिन है रहस्यों का खजाना। आइए जानते हैं महादेव के 35 रहस्यों का सीक्रेट। आदिकाल से भोलेनाथ के भक्तों की संख्या सर्वाधिक रही है, लेकिन प्रभु शिव के रहस्यों को बहुत कम भक्त ही जानते हैं, जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। यह जानकारी आपके ज्ञान विकास में तो वृद्धि करती ही है, साथ ही आप अपने प्रभु शिव शंकर के आश्चर्यजनक रहस्यों को जानकर उनकी भक्ति में और अधिक आसक्त हो जाएंगे और कह उठेंगे, अरे हमारे भोले इतने रहस्यमय हैं। आइए आज आपको हम प्रभु शिव के उन्हीं 35 रहस्यों से रूबरू कराते हैं। वीडियो कुछ लंबी जरूर है, लेकिन है बहुत ही रोचक और ज्ञान का अपूर्व भंडार। भगवान शिव जो कि देवों के देव महादेव हैं, जिनको भोलेनाथ, आदिनाथ और आदिदेव के नामों से जाना जाता है। यह तो आपको पता ही होगा कि भगवान शिव के 1008 नाम हैं। आइए अब जानते हैं बाबा भोलेनाथ की 35 रहस्यमयी बातें। आदिनाथ शिव सर्वप्रथम प्रभु शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र, शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेद्रु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपात्र और शस्त्र त्रिशूल है। इन सभी का प्रभु शिव ने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कहलाई। शिव के पुत्र, शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है, जिसे किसी अन्य वीडियो में सुनाऊंगी। शिव के शिष्य, शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की रचना हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहशात्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इनके अतिरिक्त 8वें गौरव शीर्ष मुनि भी थे। शिव के गण, शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नदी, श्रृंगी, भृगिरीटि, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण ही माना जाता है। शिव पंचायत, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु, ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल, नंदी, स्कंद, रिटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। शिव पार्षद, जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीइन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ,
दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपासकों का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने ही पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तंडंकर, षडंकर और मेघंकर। देवताओं और असुरों दोनों के प्रिय भगवान शिव को देवों के साथ साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजे जाते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को भी वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव चिन्ह वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के टुकड़े को, बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्ध चंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतनद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान स्थित हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को सिवानो लिपतम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक नाम से भी जानते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंडुगम क्षेत्र में श्री स्वेदारण्येश्वर मंदिर में शिव के पद चिन्ह स्थित है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नम मलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम मंदिर के पास शिव के पदचिन्ह स्थित हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहां और दूसरा कैलाश पर रखा था। रांची झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हील पर शिवजी के पैरों के निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। शिव के अवतार वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, दृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, विशुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट, नर्तक ब्रह्मचारी, यश, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्रा, अजपाद, आर्पिबुद्ध, शंभु, चंड तथा भव। शिव का विरोधावासिक परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है।
इस विरोधाभासक या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव भक्त ब्रह्मा विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव ध्यान, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को विप्लपत्र बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के सन्निकट मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। शिव मंत्र, शिव के दो ही मंत्र हैं, पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम हौ जू सः, ओम भूर्भुव स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योमुक्षी मामृता स्वः भुवः भूम ओम सः जू होम ओम है। शिव व्रत और त्योहार, सोमवार प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। शिव प्रचारक भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति विशालाक्ष शिव शुक्र सहशाद्र महेंद्र प्राचेदस मनु भारद्वाज अगत्स मुनि गौर शिरस मुनि नंदी कार्तिकेय वैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र मणिभद्र चंदिस नंदी श्रृंगी भृगिरिटि शैल गोकर्ण घंटागण बाण रावण जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य मत्स्येन्द्रनाथ और गुरु गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। शिव महिमा, शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया था। शैव परंपरा दस नामी शाक्त सिद्ध दिगंबर नाथ लिंगायत तमिल शैव कालमुख शैव कश्मीरी शैव वीर शैव नाग लकुलिश पाशुपत कपालिक कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी सूर्यवंशी अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के प्रमुख नाम, शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने महेश नीलकंठ महादेव महाकाल शंकर पशुपतिनाथ गंगाधर नटराज त्रिनेत्र भोलेनाथ आदिदेव आदिनाथ त्र्यंबक त्रिलोकेश जटाशंकर जगदीश
प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव, शंभु, भूतनाथ और रुद्र। अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं उछली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव ग्रंथ वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार किया गया है। शिवलिंग वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसके प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग के प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यदि दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना का महत्व है। बारह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वरम, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वरम, केदारनाथ, गृहणेश्वरम। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मांड लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। एक अन्य मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंडों को भी ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। शिव दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से अधिक है। शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। देवों के देव महादेव देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे।
दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। शिव हर काल में। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, भारत महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। शिवलिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही शक्तियों को प्रदर्शित करता है। शिवलिंग का अर्थ होता है सृजन ज्योति। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाश गंगा के समान ही है। शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का एक प्रतीक ही है। शैव सिद्धांत, जो शैव संप्रदाय की प्रमुख परंपराओं में से एक है, उसमें भगवान शिव की तीन परिपूर्णताएं परशिव, पराशक्ति और परमेश्वर बतलाई गई हैं। परशिव में भगवान शिव को निराकार, शाश्वत और असीम बतलाया गया है। पराशक्ति में भगवान शिव को सर्वव्यापी, शुद्ध चेतना, शक्ति और मौलिक पदार्थ के रूप में मौजूद माना गया है। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव का आकार है, परंतु परशिव परिपूर्णता में वे निराकार है। परमेश्वर का शाब्दिक अर्थ परम ईश्वर है। संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्पत्ति का मूल कारण परमेश्वर अर्थात ईश्वर ही है। ये है महादेव के 35 रहस्य, जिन्हें जानकर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी के साथ एक बार जोर से जयकारा लगाएं, महाकाल की जय, हर हर महादेव। है ना भोले बाबा के रहस्यों से छुपी महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसे अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अपने चैनल आस्था के आंसू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी हर जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। एक बार पुनः जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव।